नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना नाइस रोड पर पूर्वाक्रा अपार्टमेंट के करीब घटी, जहां एसयूवी कार की तेज रफ्तार थी और उसने सड़क पर आगे चल रहे कंटेनर ट्रक में पीछे से धक्का मारा। इस दौरान कार को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी। इस भयंकर हादसे के दौरान 3 से 4 और कंटेनर वाहन भी एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ, शुक्रवार देर रात हुए इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल थीं, सभी कार में सवार थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कार के अंदर से हताहतों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं बंगलुरु वेस्ट के डीसीपी ट्रैफिक कुलदीप जैन ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाया, इसके बाद यातायात बहाल हो पाया। बता दें कि देर रात हुए इस हादसे का कारण धुंध और तेज रफ्तार बताया जाता है।